हे माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज है, आज की जो डेट है ना वो मुझे नहीं पता, बट आज मंडे है। तो आज मुझे ना क्लीनिंग करना था और मैं अपना मतलब वॉइस ओवर तो नहीं देने वाली थी वीडियो में, बट मेरा इतना ज़्यादा वॉइस ख़राब हो गया है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ यार, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इसी वजह से वीडियो भी मैं ना एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, मैं क्या बताऊँ, और फीवर भी है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। बट अभी मैंने सोचा कि चलो मैं फ्री बैठी हूँ, इतने दिन से मोबाइल में सारे वीडियो शूट कर कर के रखे हैं, अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा अपलोड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर स्किन केयर करने लग गई थी, क्योंकि मैंने नहाने के तुरंत बाद सफाई चालू कर दी थी, और जब मैंने अपने मतलब मिरर में देखा ना, तो हाथ ऐसे होता है ना विंटर में गंदे लगते हैं, तो मैंने अपना जो वेदा का बॉडी लोशन है वो थोड़ा सा पेट पे भी लगा लिया, क्योंकि वहाँ पर भी मतलब ऐसे खींचता है। हम जब नहाते हैं और नहाने के बाद साबुन वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे अपनी स्किन जो है ना विंटर में ऐसे खींचती है, तो इस वजह से मैंने मॉइस्चराइज के लिए लगा लिया था पेट पर भी और अपने हैंड पर भी। उसके बाद बस फिर क्लीनिंग वगैरह, हर लेडी का यही काम होता है मॉर्निंग में, क्लीनिंग करो, ये करो, वो करो। और मुझे तो इतना बुखार है फिर भी, मतलब चाहे एक औरत को मतलब कितना क्यों ना बुखार हो, कितनी क्यों ना तबीयत ख़राब हो, बट उसे काम तो करना ही करना है, चाहे उसे मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ का वहाँ दुनिया अलट पलट हो जाए, पर काम तो करना ही है। तो बस आगे का वीडियो आप म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए।
क्लीनिंग वगैरह करी, उसके बाद मैंने चाय वगैरह ली, और उसके बाद मैंने मुझे आज खाना वगैरह तो बनाना नहीं है क्योंकि मैंने मॉर्निंग में खुशी के लिए टिफ़िन बनाया था ना, तभी मैंने बना लिया था। तो मैंने सोचा आज गेहूँ चुन लेती हूँ, दूसरा कुछ काम नहीं है तो ये काम कर लेती हूँ। वैसे मेरे घर आटा तो ख़त्म नहीं हुआ था, बट मैंने सोचा कि पहले मैं ये चुन लेती हूँ क्योंकि ये राशन के गेहूँ होते हैं ना, तो इनमें कीड़े वगैरह होते ही है, तो ये हमारे घर में दूसरे हमारा जो धान भरा हुआ होता है अच्छा उसमें ना हो जाए, इस वजह से मैंने चुन के मैंने सोचा चलो इनको चुन तो लिया है, अभी सुखा भी लिया, धूप में थोड़ा सुखाना पड़ता है क्योंकि घर की हमारी जो चक्की होती है ना उसका जो ये है उसकी जो मतलब पीसने वाला जो निकलता है ना आटा वो छोटा होता है, तो उसके हिसाब से हमें इसे पूरा मतलब इसे धूप में कड़क करके गेहूं को फिर डालना होता है। अगर ऐसे ही डाल दो तो वो जो मतलब इन दिनों में थोड़े मॉइस्चर हो जाता है ना, तो इस वजह से वो अच्छे से पीसते नहीं है। तो मैंने धूप में सुखाए थे तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ में इनको, अभी शाम का टाइम है एक्चुअली, तो लगे हाथ में इनको पीस ही लेती हूँ। इस वजह से मैं अपने चक्की की सेटिंग वगैरह कर रही थी, और आपको खुशी जो है वो दिखाई दे रही होगी क्योंकि हमारी चाय हो गई थी और वो बोल रही थी मम्मा मुझे भी चाय पीनी है, तो मैंने उसे बोल दिया चाय मत पियो, आप दूध बना लो और दूध पी लो। तो खुशी ना अपने दूध में शुगर वगैरह डाल के और फिर दूध ले रही थी, और शाम का टाइम है, उसे कभी कभार हो जाता है ऐसा कि उसे मतलब मन करता है चाय पीने का। वैसे वो ऐसे डेली में चाय दूध वगैरह नहीं पीती है, ना मॉर्निंग में पीती है ना शाम को पीती है, बट अभी उसने उसका मन था तो उसने बोल दिया मम्मा मुझे दूध पीना है। वैसे वो चाय मांग रही थी पर मैंने उसे बोल दिया दूध पी लो, चाय तो ख़त्म हो गई। तो बस मेरे हस्बैंड अभी रेडी हो गए हैं, जिम के लिए जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के पहले चेकआउट करती हूँ कि आटा अच्छे से निकल रहा है या नहीं, उसके बाद ही मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इसकी सेटिंग ना हमें बार बार करनी होती है, बिकॉज़ इसे जब हम क्लीन करते हैं ना तो इसकी सेटिंग जो है ना वो हिल जाती है, इसी वजह से इसकी सेटिंग करे बिना हमें ज़्यादा मतलब गेहूँ वगैरह नहीं डालने होते ही। तो पहले इसकी सेटिंग कर लो, फिर चेकआउट करो, आटा अच्छे से बारीक हो तभी इसमें ज़्यादा गेहूँ डाल दो। तो बस गेहूँ वगैरह डाल के मैंने चक्की अच्छे से लगा ली है, बारीक आटा निकल रहा है, अभी चेकआउट करके मैंने देख लिया बराबर से। तो ये देखिए कितना सारा आटा मैंने आज पीस लिया है, जितना चुना था उतना सारा पीस लिया, पर मेरे किचन की हालत आप देखिए, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए भाई, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इतनी ज़्यादा मतलब ये हो चुकी है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए दिखा, तो आप देख सकते हो आटा कितना गिरा है, ये देखिए बर्तन भी ऐसे ही हो गए हैं। तो मुझे अभी ये सारा क्लीन करना होगा, आटा तो पिस गया पर सारा मतलब किचन ख़राब हो गया। चलो अभी मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी अभी क्लीनिंग शुरू हो गई किचन की, बिकॉज़ इतना ज़्यादा आटा हो गया था किचन पे यार, मैं क्या बताऊँ, और मुझे खाना भी बनाना है, और मंडे मतलब मेरे फास्ट होते हैं, मेरे हस्बैंड के फास्ट होते हैं, ऐसे स्पेशल डे होते हैं ना उस दिन हम थोड़ा सा हेवी खाना या तो फिर ज़्यादा खाना, हेवी तो नहीं बोल सकते बट ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, क्वांटिटी भले कम हो बट मतलब होता है ना नंग, मतलब डिशेस ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा है हमारे घर। तो मेरे घर तो मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल ही होता है, वैसे हर रोज़ ऐसे ही जाता है हमारा स्पेशल वाला, कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है।
तो आज मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला था कि भरवा मिर्च बनाना। मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना भरवा मिर्च, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर ना देखा हो तो चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे मराठी चैनल पर भी मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, ज़रूर से चेकआउट करना, लिंक मिल जाएगी। इतना किचन मेसी हो गया था मेरा, उसके बाद भी मैंने इतना सारा खाना बनाया। ये देखिए, ये है हमारा आज का खाना। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड